वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करते हो सब कैडिट्स से होंगे आज मैं आपके साथ एक और बहुत ही आसान और क्विक डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी और इसका नाम है स्ट्रॉबेरी डिलाइट कोई कुकिंग नहीं कोई बेकिंग नहीं ठंडा ठंडा मज़े का डिज़र्ट तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए आपको चाहिए दस से बारह स्ट्रॉबेरी और इसको आपने ब्लेंड कर लेना है बग़ैर पानी ऐड किए ये मैंने आपको एक आ, अंदाजन बताया है कि 10 से 12 स्ट्रॉबेरीज तो बेसिकली आपको एक कप के जितनी प्यूरी चाहिए होगी तो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा सो यहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छा ब्लेंड कर लिया है अब आप कलर भी देखें कितना अच्छा कलर है आपको इस रेसिपी में किसी फूड कलर की भी ज़रूरत नहीं तो यहाँ पे एक कप प्यूरी इज़ रेडी अब आपने क्या करना है एक बोल लें और उसमें ऐड करें ढाई सौ एम एल की जितनी ठंडी विपिंग क्रीम और कप में ये होगी तकरीबन एक कप प्लस छः से सात टेबलस्पून स्पून की जितनी क्रीम तो इसको आपने बीट कर लेना है मीडियम हाई स्पीड पे यहाँ तक कि ये थोड़ी थिक हो जाए कम्प्लीटली नहीं बस थोड़ी सी थिक उसका रीज़न ये है कि अभी इसमें और भी चीज़ें हम ऐड करेंगे तो अगर पूरा इसको अभी बीट कर लिया तो बाद में गुंजाइश जो है वो खत्म हो जाएगी और क्रीम ख़राब हो सकती है अब यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप के जितना स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क इसमें जाएगा चीनी की जगह इसकी रेसिपी मैं सिखा चुकी हूँ होममेड बहुत अच्छा बहुत आसानी से बन जाता है तो बस इसको ऐड करके थोड़ा सा बीट करें अब यहाँ पे uh, मैं ऐड कर रही हूँ एक कप के जितनी स्ट्रॉबेरी प्यूरी जो कि हमने प्रीवियसली तैयार कर ली थी इसको ऐड करके थोड़ा सा मिक्स करें एंड नाउ लुक एट द कलर्स कितना फ्रेश है इसका कलर और मैं आपको बता नहीं सकती कि इसमें से मिक्स करते वक्त ही ये जो मिक्सचर है आ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है वेरी फ्रेश तो समर में ऐसे रिफ्रेशिंग और इजी डिज़र्ट्स जो है ना वो ज़रूर बनाने चाहिए अच्छा इसी तरह का एक और आसान डिज़र्ट मैंगो डिलाइट मैंने कुछ अर्सा पहले सिखाया था आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा वो भी आप ज़रूर ट्राई करें बहुत अच्छा बनता है और जैसा कि मैंगो का सीजन आ ही रहा है तो गिव इट अ ट्राई लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी अच्छा तो स्ट्रॉबेरी का और क्रीम का मिक्सचर इज़ रेडी अब यहाँ पे मैंने ली है एक डिश और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मेरी बिस्किट पहली लेयर लगेगी बिस्किट की तो सात आठ बिस्किट आपने इस तरह से तोड़ के ऐड करने हैं और क्रीम को आपने तीन हिस्सों में डिवाइड करना है जिसका पहला हिस्सा अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ क्रीम के मिक्सचर को आ, मैंने पाइपिंग बैग में ट्रांसफर कर दिया आप जिप लॉक बैग भी यूज़ कर सकते हैं सिर्फ ये के आसानी के लिए और नीटनेस के लिए इसके बाद ये कि आप पैलेट नाइफ से इसको आ, बराबर कर लें अब लेयर इसमें जाएगी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज की उसको आपने इस तरह से पतला पतला काट लेना है या फिर आप चाहें तो इसको चॉप फॉर्म में भी आ, मतलब चंक्स के स्टाइल में भी काट के ऐड कर सकते हैं वो आपकी चॉइस है फिर दोबारा से आपने लेयर ऐड करनी है क्रीम की एक और आइडिया मैं आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर देना चाहूँगी देखिए ये तो एक बेसिक रेसिपी होती है जो मैं आपको सिखाती हूँ विद प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स और उसकी क्वांटिटी लेकिन मुझे मालूम है आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं मुझसे भी ज़्यादा तो अक्सर लोग जब रिक्रिएट करते हैं तो और भी अच्छा बनाते हैं तो आप इन लेयर्स में चॉकलेट शेविंग्स भी ऐड कर सकते हैं तो आपको पता है कि स्ट्रॉबेरी के साथ चॉकलेट जो है वो बहुत अच्छी लगती है मेरे पास थी नहीं वरना मैं ज़रूर ऐड करती तो यहाँ पे एक और लेयर मैंने ऐड की बिस्किट्स की आठ दस बिस्किट मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं और यहाँ पे यह फाइनल लेयर क्रीम की मैंने ऐड कर दी है अब बात रह गई है सिर्फ सजावट की जो कि बहुत ज़रूरी होती है अक्सर लोग रेसिपी बहुत अच्छी बनाते हैं लेकिन जो गार्निशिंग और डेकोरेशन का पार्ट है वो इतना ख़ास नहीं होता जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि डिश जो है वो कुछ ख़ास नहीं तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है रू अफज़ा सिरप और आपके पास अगर स्ट्रॉबेरी सिरप है तो आप वो यूज़ करें प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रॉबेरी की और फिर इसको आप कटी हुई स्ट्रॉबेरी से इस तरह से डेकोरेट कर लें अब इसको कवर करके फ्रिज में रखना है तीन से चार घंटा ताकि ये अच्छा सेट हो जाए और ठंडा हो जाए तो यहाँ पे इसको लें सिर्फ़ दो ढाई घंटे ही गुजरे हैं। आपको पता है मेरे घर में मीठा सभी को पसंद है और मीठा मेरे अबू को भी बहुत पसंद है तो आजकल आप सबको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी अब्बू जो हैं वो मेरे पास आए हैं मैं कैनेडा एज़ यूजल कोई भी वेट नहीं कर रहा था तो यहाँ पे मैंने जल्दी ही जो है वो इसको निकाल लिया फ्रिज से और ये रहा एक स्लाइस आप लोगों के लिए तो ज़रूर ट्राई कीजिए बहुत मज़े का है बहुत ही क्रीमी और लाइट भी है एंड वेरी रिफ़्रेशिंग अम्मी ने भी इस मीठे की बहुत तारीफ़ की कह रही थी भाई बहुत ही मज़े का और डिफरेंट भी है और सबसे अच्छी बात कि ईजी भी है तो ट्राई करें वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें अपना बहुत सारा ख्याल रखें मुझे दो में याद रखें अल्लाह हाफि